हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अंडोरा देश के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडोरा आधिकारिक रूप से प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा को प्रिंसिपैलिटी ऑफ वैली ऑफ अंडोरा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप का घिरा हुआ एक सूक्ष्म राज्य है जो पूर्वी पायरेनीज पर्वत पर स्थित है, और स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर भी इससे जुड़ी हुई है। इसका निर्माण 988 चार्टर में किया गया था और वर्तमान प्रिंसिपैलिटी की रचना 1278 ईस्वी में की गई थी। इसे प्रिंसिपैलिटी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका साम्राज्य दो सह राजकुमारों, स्पेन के उर्गेल का रोमन कैथोलिक बिशप और फ्रांस के प्रेसिडेंट के हाथों में है। अंडोरा यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल 468 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 181 वर्ग मील है, और जनसंख्या तकरीबन 85,000 है। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी है, जो समुद्र तल से तकरीबन 1023 मीटर यानी कि 2356 फीट ऊंची है। अंडोरा की आधिकारिक भाषा कैटलन है। इसके साथ साथ यहाँ स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अंडोरा टूरिज्म सर्विस के अनुसार हर साल तकरीबन 10.2 मिलियन प्रवासी लोग अंडोरा देखने के लिए आते हैं। यह देश यूरोपियन संघ का सदस्य तो नहीं, लेकिन इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो ही है। 1993 से अंडोरा यूनाइटेड नेशन का सदस्य है। दी लैंसेट के अनुसार 2013 में अंडोरा के लोगों की जीवन प्रत्याशा 81 वर्ष थी, जो कि अब तक की तुलना में सबसे ज़्यादा है। अब हम अंडोरा के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को जान लेते हैं। तो मैं इन वर्षों को एक एक कर आप लोगों को बताता जाता हूं, और उन वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इसे भी आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो ये वर्ष हैं 803 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स मैग्ने ने मूर्स से वर्तमान अंडोरा के क्षेत्र को हासिल कर लिया और ग्रैंड चार्टर का वहां का निवासी बताया, और चार्ल्स मैग्ने की मृत्यु के बाद अंडोरा को चार्ल्स मैग्ने के पोते चार्ल्स द्वितीय ने स्पेन को सौंप दिया था। 1133 ईस्वी में अंडोरा उर्गेल के बिशप को सौंपा गया। 1278 ईस्वी में फरागे एग्रीमेंट के तहत उर्गेल के फ्रेंच वारिस और उर्गेल के स्पेनिश बिशप के बीच वाद विवाद होने की वजह से अंडोरा ने फ्रेंच और स्पेनिश राजकुमारों के गठबंधन को अपना लिया। 1419 ईस्वी में स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए नियुक्त बॉडी ने काउंसिल ऑफ द लैंड की स्थापना की। 1607 में फ्रेंच शाही फरमान के तहत राज्य के फ्रेंच मुखिया और सह राजकुमार के रूप में उर्गेल के बिशप की स्थापना की गई। 1936 से 1939 तक अंडोरा को स्पेनिश गृह युद्ध से बचाने के लिए फ्रेंच सेना को अंडोरा भेजा गया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंडोरा तटस्थ था, और तटस्थ स्पेन में विची फ्रांस से मुख्य तस्करी का मार्ग बना। 1982 में सरकार की पहली कार्यकारी शाखा गवर्न ने कैटलन में अपना कार्यकाल संभाला। इसके मुखिया को काउंसिल ऑफ द लैंड द्वारा नियुक्त किया गया। 1990 में एंडोरा ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर सीमा शुल्क संघ पर हस्ताक्षर किए। 1993 में पहले संविधान को जनमत संग्रह द्वारा अपनाया गया। दस्तावेजों ने दो सह राजकुमारों की सामंती ताकतों को कम कर दिया, और नए कानूनों के निर्माण और रचना की गई और उन्हें स्थापित किया गया। अंडोरा भी यूनाइटेड नेशन में शामिल हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना अंडोरा देश के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। दोस्तों, कंटेंट के अभाव में मैं आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को अंडोरा देश के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अंडोरा देश की राजधानी क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।